तो माँ गौरी ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। और स्कंद माता का जन्म कैसे होता है, कैसे प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि स्कंद माता संसार की रक्षा के लिए ब्रह्म को समर्पित हुई, ब्रह्म का वरण किया और उसके द्वारा भगवान शिव के बीज से उन्होंने एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसे कार्तिकेय के नाम से जाना गया। छह कृतिकाओं के द्वारा पालन होने कारण सरकंडे में उत्पन्न हुए और उनका नाम कार्तिकेय हुआ। स्कंद उनको इसलिए कहते हैं कि उनके छह मुख और छयों मुखों से स्तनपान किया और उनकी जननी माँ भगवती स्वयं आदि प्रकृति है और ये समस्त सुख लौकिक जगत के 84 लाख जीवों के सहित मनुष्य को प्रदान करती है और उनका पालन करती है। इनका स्वरूप छह मुख वाली स्वयं है और छह मुख के स्कंद को दुग्ध पान कराती हैं, श्वेत वर्ण के कपड़े पहनती हैं और बहुत ही सौंदर्य से युक्त रहती हैं। इनके दो रूप हैं, एक साधारण ये चतुर्मुख रूप धारण करती है, चतुर्भुज रूप धारण करती हैं और एक खटमुख होकर कई भुजाओं से युक्त हो जाती है। अब इनके बारे में जो अन्यान्य बातें हैं, तो ये दो तरह के वाहन भी धारण करती हैं, दो तीन तरह के, कहीं मयूर में बैठती हैं, कभी बैल में सवारी करती हैं और कभी सिंह में सवारी करती हैं। इनका गुणात्मक रूप है। इनके रुचिकर भोग जो शरीर को पुष्टि देते हैं, औषधियों से युक्त, औषधीय गुणों से संपन्न सात्विक भोजन, जो अग्नि पुराण या अन्न पुराण में सात्विक अन्न का विवेचन किया गया है, जिसमें से धान, अन्न में धान आता है, चावल का नाम नहीं आता, काकुन, चना, गेहूं और जौ, इस प्रकार से सतोगुणी अन्न का ये भोग लगाती हैं, प्रकृति के पूर्ण तत्व को परिलक्षित करके अमृत तत्व से संतानों को ऊर्जा देती हैं। इन्हें पुष्प प्रकृति में जैसे अपराजिता का हो गया, अपराजिता मतलब आप जानते होंगे नीला पुष्प और सफेद पुष्प होता है और एक हल्का पीला भी होता है। अपराजिता का फूल इन्हें बड़ा प्रिय है, गेंदा का फूल इन्हें बड़ा प्रिय है और माँ को कनेल समस्त देवियों को प्रिय है, माता को मदार और धतूर भी बहुत प्रिय है। स्कंद माता प्रकृति का मूल रूप है और प्रकृति को षड ऐश्वर्य देने वाली स्कंद माता है और विवाह में सबसे ज्यादा इन्हीं की पूजा की जाती है कि विवाह बहुत जल्दी हो जाए। ये मैं आपको अपने तरफ से बताए देता हूँ विशिष्ट बात, क्योंकि ज्यादातर आज विवाह की ही परिस्थितियां बनती हैं कि बच्चे और बच्ची का विवाह नहीं होता, स्कंद माता की आराधना से और संतान दोनों मिलते हैं, इनमें संतान का ही योग ज्यादा है और माँ कात्यायनी की आराधना से विवाह परिपूर्ण होता है, लेकिन इनसे भी विवाह होता है।